ने परमिट किया है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए? भाई हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि चिदंबरम जी की भूमिका तो स्वयं प्रणब बाबू ने स्वीकार की, तो इसलिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी भूमिका है और उस भूमिका की जांच होनी चाहिए। ये तो मेरी मांग बहुत दिनों से, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वयं और पीएमओ भी जानता है इस बात को, क्योंकि जो पत्र 25 मार्च को श्री प्रणब मुखर्जी ने लिखा था और उसके बाद उस पर काफ़ी विवाद हुआ, विरोध हुआ, और फिर वो जाके मिले प्रधानमंत्री जी से, उनको उन्होंने कुछ सफाइयाँ दी, और लौट के आने के बाद जो उन्होंने दूसरा पत्र लिखा उसमें लिखा कि साहब ये पत्र तो पीएमओ की सलाह से ही लिखा गया है, उन्होंने आग्रह किया कि इसको आप बाकायदा ओएम बना करके भेजें, और उसमें भी वही बात लिखी हुई थी कि अगर तत्कालीन वित्त मंत्री अपने स्टैंड पर कायम रहते तो इस नुकसान को रोका जा सकता था। तो ये भूमिका तो स्पष्ट है, उन्हीं के कहने से स्पष्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान ले लिया या ट्रायल कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया, तो जांच होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि चिदंबरम साहब को स्वयं ही या तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें हटा देना चाहिए।